हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल वॉल डेकोर, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे जो हमारे घर में अवेलेबल होती ही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लेकर उसको प्लेट की सहायता से राउंड कट कर लूँगी। तो हमारा यहाँ पे ये कार्डबोर्ड कट हो गया है। तो अब मैं ये मिरर ले रही हूँ, जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उसमें से मैंने इसको ये निकाल लिया था। तो मैं इसी को ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर सेंटर में चिपका दूँगी इसके। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये जो डिस्पोजेबल स्पून्स होती हैं, मेरे पास दो तरीके की थी, एक ट्रांसपेरेंट थी और कुछ वाइट्स थी। तो अगर आपके पास सेम है तो आप दोनों को एक ही जैसा ही यूज़ कीजिएगा। तो हमें इसको इस तरह से रखना है कि आधा पार्ट इसका अंदर रहे और थोड़ा सा पार्ट बाहर रहे। तो हम इसको इतना सा कट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर स्पून को कट कर लिया और हम इसी की हेल्प से बाकी की स्पून्स को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 8 स्पून्स कट की है, क्योंकि हमारे जो सर्कल है वो इसमें इतनी ही आ पाएंगे। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़ा सर्कल कट करिएगा। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपका दूँगी। आप चाहें तो फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये टूथपिक, इसको हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। टूथपिक तो हमारे घर में होती ही होती है, और अगर नहीं भी होती तो आप चाहें तो किसी और स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं या ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें जो बाकी की जो हमारी स्पून्स रह गई थी उनको भी हम कट कर लेंगे। उनकी हमें जो स्टिक होती है वो पूरी कट कर देनी है। तो जो यहाँ पर स्पेस रह गया था, इन स्पून्स को हम यहाँ पर चिपका देंगे इस तरह से। तो मेरे पास कुछ ट्रांसपेरेंट भी थी तो मैंने वहाँ पर ये भी चिपका दी, क्योंकि वाइट वाली ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ब्राउन कलर, जो लाइट ब्राउन कलर होता है, उसको नीचे वाली स्पून्स पे कलर कर देंगे। और जो हमारा थोड़ा सा कार्डबोर्ड भी दिख रहा था उसको भी हम नीचे से कलर कर देंगे, ताकि वो वाइट वाइट दिखे ना। अगर आपको प्लास्टिक पे कलर करना है तो आप यहाँ पर कलर ज़्यादा और पानी कम दें, तभी कलर अच्छे से प्लास्टिक पर चढ़ेगा। तो अब मैं जो ऊपर वाली स्पून थी वहाँ पर मैं डार्क ब्राउन कलर कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा बोट अच्छा आए। तो यहाँ पर मेरी स्पून्स भी कलर हो गई है। तो आपको अगर ये प्रोसेस अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मैं यहाँ पर हाफ कट बीड्स ले रही हूँ वाइट कलर के, जो मैं मिरर के साइड्स पर लगा दूंगी ग्लू गन की हेल्प से। आप चाहें तो यहाँ पर फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये गोल्डन बीड्स लिए हैं छोटे वाले, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप बड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। और पहले यहाँ पर मैंने ग्लू गन की हेल्प से ग्लू लगाया, फिर उसके बाद इसको लगाया है ताकि ये बाहर ना निकले। मैंने यहाँ दो स्टिक्स पे लगाए हैं, बीच के स्टिक्स छोड़ दिए। मैंने यहाँ पे ये डायमंड शेप में मिरर्स लिए हैं। ये मिरर्स जो पतले वाले होते हैं वो हैं, बहुत ही लाइट वेटेड हैं। और जो बीच में जो स्टिक रह गई थी वहाँ पर हम ये मिरर चिपका देंगे। तो गाइस, यहाँ पर कुछ काली काली लग रहा था, तो जो बड़ी वाली स्पून्स थी वहाँ पे मैंने ये राउंड कलर के
राउंड शेप के मैंने मिरर लगा दिए और जो बीच में जो स्टिक रह गई थी वहाँ पे गोल्डन मोती लगाए मैंने। और देखिए इसका फाइनल लुक। तो चलते हैं नेक्स्ट DIY के ऊपर। तो जहाँ पर मैंने फिर से कार्डबोर्ड लिया है और मैं इसमें से राउंड शेप का कार्डबोर्ड कट कर लूँगी। आप लोग चाहें तो किसी चूड़ी के या किसी बॉक्स के ढक्कन की हेल्प से कट कर लें, मैंने ऐसे ही कट कर लिया और तीन राउंड शेप में कट कर लिए अलग अलग शेप में। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर पिस्ता शेल्स जो कि हम फेंक देते हैं यूज़ कर खाने के बाद। तो अब आजकल पिस्ता जल से काफ़ी अच्छे अच्छे वॉल डेकोर, काफ़ी अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स बनने लगे हैं, तो लोग अब इनको संभाल कर रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका छोटा सा फ्लावर बनाकर कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दिया है इस तरह से। और मैं ग्लूगन की हेल्प से यहाँ पर इसकी जो और शेल्स हैं वो लगाती जा रही हूँ लीव्स के पर्पज़ से। तो यहाँ पर अगर आप फेविकॉल लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा लीजिए, लेकिन फेविकॉल जल्दी सूखता नहीं है जिसकी वजह से उसमें बहुत टाइम लगता है उसको स्टेबल होने में। तो जल्दी से भर के लिए हमें यहाँ पर ग्लूगन की हेल्प पड़ती है। तो हमारा ये फ्लावर बनकर रेडी हो गए हैं, मैंने बाकी के फ्लावर बना लिए। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पिंक कलर। मैं यहाँ पर पिंक कलर कर रही थी पर पता नहीं कैमरे में थोड़ा सा रेड कलर दिख रहा था, पता नहीं क्यों। और मैंने यहाँ पर इस फ्लावर को पूरा पिंक कलर से ही कलर किया है। देखिए मैंने ये तीनों फ्लावर्स को पिंक कलर से कलर कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये फ्रेम ले रही हूँ और इसका जो फ्रेम का जो मैंने हिस्सा था वो खोल लिया है और जो ये मिरर है इसको हमें हटा दूँगी ताकि मैं अपने इस फ्लावर को इसमें लगा सकूँ। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी कार्डबोर्ड शीट ले रही हूँ जो कभी कभी हमारे कपड़ों में निकलती है, तो मिरर के हेल्प से हम उसी साइज़ में इस कार्डबोर्ड को कट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे ये ग्रे कलर कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई पेपर हो अच्छा सा तो वो आप लग इसके ऊपर चिपका सकते हैं, कलर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो लाइनिंग वाला होता है ना पैटर्न वो लगे। मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है और ये कुछ इस तरह से लग रहा था। सूखने के बाद मैं इसको यहाँ पर फ्रेम के पीछे वाले हिस्से पर चिपका दूंगी ग्लूगन की हेल्प से। इसके ऊपर मैं फ्रेम अटैच करके इसको लॉक कर दूंगी स्क्रूज की हेल्प से। गाइस अगर आपको अभी तक का प्रोसेस अच्छा लग रहा हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और अब मैं यहाँ पर ये फ्लावर्स लगाऊंगी, चिपका दिया मैंने यहाँ पर इस तरह से। अगर आपका बड़ा फ्रेम है तो आप उसको यूज करिए, बस छोटा था। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं उस पर इस तरह की ग्रासेस लगी होती है, मैंने वही ले ली है। तो वो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से चिपका दिया है। तो हमारा फ्रेम बनकर रेडी हो गया है, चलिए आपको उसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।